नहीं हम काट देंगे, रहने दो। यदि 2500 रुपया को ए कॉमा बी तथा सी में 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का, तो सी को क्या मिलेगा, कितना सी को धनराशि मिलेगा। हमारे जो 2500 रुपया है उसको ए बी सी में बांटा जाता है तो उसको सी को कितना मिलेगा जब 1/10 1/6 1/15 के रेशियो में बांटा जाता है। सॉल्व, तो 1/10 और 1/6 और 1/15 से कटने वाली एक राशि मान लेते हैं, उस राशि क्या है तो वो 30 है, वो संख्या क्या मान लिए कि 30 है। अब 30 है तो ए और बी और सी में जब रेशियो पर कट करते हैं तो ए का रेशियो 10 या 30 यानी ए का वैल्यू 3, 6/5 30 यानी बी का वैल्यू 5 और 15 × 30 यानी कि सी का वैल्यू 2 आ जाता है। अब हमको निकाले कहता है क्या कि सी का क्या मिलेगा, कितना हिस्सा सी को मिलेगा, तो सी को हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल राशि को टोटल के तुलना कर देते हैं। तो 25,000 आपका टोटल धनराशि है, उसमें टोटल धनराशि यहाँ पे कितना दिखा रहा 10, तो टोटल का तुलना टोटल के साथ और निकाले कहता है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा यहाँ पे 2 दिया है तो 2 से गुना करेंगे, 1 0 से 0 कैंसिल यानी 25 × 50 डायरेक्ट आंसर कितना 5000।